हाँ तो दोस्तों, 1 किलोमीटर बचा था अपना मरचुला, लेकिन उससे पहले हम लोगों को देखने को मिल गए थोड़े से आम वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा थोड़े से कच्चे आम तोड़े जाएं, थोड़े कच्चे आम खाए जाएं। बाला अपना कच्चा आम तोड़ रहा है। बाला एक अच्छा सा आम तोड़ के दो यार। बाला आम दो यार, एक अच्छा सा प्यारा सा। कैसा है जी? जूस जूस वाला आम। ओहो रो, अब बहुत ही खट्टा आम है। लेकिन एक नंबर जो ताजे आम की बात है ना, वही आ रही है फीलिंग बिल्कुल। क्या क्या दिखाऊंगा ब्लॉग में, देखना तुम लोग आजकल ब्लॉग में सिनेरियो बदल गया जिंदगी का। वो नीचे आप लोगों को एरिया दिख रहा है ना, बस वही है अपना मरचुल। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो अपन मरचुल पहुंच जाएंगे। करीबन 1-2 किलोमीटर ही बचा है, तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी देर में। गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग ने आम तोड़े अभी। और ये बाला और राशिद भाई की मेहनत है, अपनी मेहनत, अपनी स्टेयरिंग पे अपन मरचुला पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। बस 1 किलोमीटर बचा है, वो रहा मरचुला। ये व्यू देखिए आप, जब तक ये वहां जाना है, वहां पुल है एक, वहां पे अभी हम लोग जाएंगे, वहां पे फिर आगे दिखाएंगे आपको वो पुल। हाँ तो दोस्तों, हम लोग मरचुल पहुंच चुके हैं। मरचुल के पहुंचे हैं हम लोग क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट पे, और आपको दिखाते हैं हम क्रोकोडाइल कहाँ है। क्रोकोडाइल 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 पूरा कहाँ के हो? चलो हम लोग यहाँ, हम लोग झांसी बुंदेलखंड बम्बई से हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग ने आपको क्रोकोडाइल दिखाया, कैसा लगा बता देना, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं, सस्पेंशन ब्रिज पे जा रहे हैं मरचुला की। और अभी बहुत गंदी ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ मैं इस समय, बहुत ज़्यादा स्टीप है। देखिए आप कितना स्टीप है, और पीछे की तरफ देख लीजिए कितना स्टीप है, तो बहुत ज़्यादा स्टीप है। वो तो बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, अपन चला रहे हैं गाड़ी, जैसे उतरी है वैसे चढ़ भी जाएगी वापस। लेकिन जो इसके बाद नज़ारा आएगा ना आपको सस्पेंशन ब्रिज का, वो मज़ेदार आएगा बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसी जगह है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए अपनी लोकेशन पे, सस्पेंशन ब्रिज पे। क्या हो गया? अरे तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। हम लोग पहुँच चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज पे, और ये वैली का व्यू आप देखिए कितना ही शानदार लग रहा है देखने के लिए। और एक कैब कहाँ है? कैब 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 ले लिया था दोबारा। हाँ, और जी अपन ने अपना कैप पहन लिया, तो आप लोगों को अब दिखाते हैं हम सीधा सस्पेंशन के सिनेमैटिक, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों, अपन आ चुके हैं अब सस्पेंशन ब्रिज पे, आप देख सकते हैं। और ये वैली का व्यू देखिए आप कितना शानदार है। ये बगल से बह रही है अपनी रिवर। आओ आओ बाला, आओ दिखाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्लियर मिल जाता। और ये रहा गाइस अपना सस्पेंशन ब्रिज जिसकी अपन बात कर रहे थे, और यहाँ से जो वैली का व्यू है, जो वाटरफॉल है अपना, कितना ही शानदार लग रही है हर चीज़। आप लोग नज़ारे के मजे लीजिए, जब तक मैं इस वैली का मज़ा लेता। हाँ तो बताइए कैसा लगा आपको इधर पे? अबे हवा बहुत तेज चल रही है, मज़ा सा आ रहा है। राशि भाई कैसा लगा? एक बार बताऊंगा, पीस बहुत है, बहुत पीस, कोई है ही नहीं नाम है तीन के अलावा, बस पानी की और हवा की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं। हाँ तो भाई लोग, अपन अपनी कार में वापस आ चुके हैं और सस्पेंशन ब्रिज देख लिया, मज़ा आ गया। और वैली का व्यू जो था वो भी मज़ा आ गया देख के, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अब है अपना घर की तरफ निकलने की रवानगी, तो अपन चल दिए हैं, और अपन को करनी है बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग। लेकिन कोई नहीं, टेंशन नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ सही है। वैली देखिए आप मजे लीजिए वैली के व्यू के, और अपन चले रोड पे, ठीक है ना। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नमक का? अच्छा, ओ हो, हम लोग ने आम तोड़े थे तो कच्चा खा रहे हैं, तो नमक अगर हो तो मजा आ जाता, लेकिन अब है नहीं तो कुछ कर सकते नहीं, पसीना रगड़ लो वाला। अबे कल 500 का तो मैंने नैनीताल हो यार। नीचे कर दीजिए। छोटा बच्चा भी आ रहा है उसका, वो आ रहा छोटा बच्चा, वो बड़ा बड़ा भी आ गया।
हाँ तो दोस्तों अभी हाल ही हम लोगों को हिरन देखने को मिला, आप लोगों को दिखाया था, लोमड़ी भी देखी, हिरन भी देखी। राशिद भाई कह ही रहे थे कि आराम आराम से लो, प्यार प्यार से कोई ना कोई चीज देखने को मिलेगी मिलेगी। अब शायद हो सकता है टाइगर भी मिल जाए, क्योंकि आ गई बैराज है ना वहां से करीबन गर्जिया के पास से कम अभी तक इतनी वीडियो वायरल हो रही है, बहुत रोड ही रोड से क्रॉस हो चुका है टाइगर। तो धीमे धीमे चल रहे हैं अपन, रोड का मजा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस टाइगर और देखने को मिल जाए तो वसूल हो जाएगा रामनगर आना। हाँ तो दोस्तों अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी वापस कार की पार्किंग में और घूम घाम के हो चुका है। और जो कौन सी जगह थी राशिद भाई, वो अपन गए थे मरचूला। हाँ मरचूला पे बहुत ज्यादा मजा आया। पीछे जा रही थी, हैंड ब्रेक लगाना भूल गए थे हम। तो इस वीडियो को और इस ब्लॉग को अपन यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जो भी अच्छा लगा वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियोस में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।